Now, a lot has happened in the last few days in Indian cricket, and we at India Today have got you the best coverage on the developments so far. Now we caught up with BCCI's President Jagmohan Dalmia himself, who says the newly appointed advisors will play a pivotal role in the appointment of future support staff and much more in the Indian cricket team setup. Listen in to this exclusive interview with Jagmohan Dalmia. मेरे साथ हैं जगमोहन दालमिया, बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने के बाद उनका पहला टेलीविजन इंटरव्यू. ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण भारतीय क्रिकेट के एडवाइजर्स बन चुके हैं, लेके चारों तरफ चर्चा हो रहा है. इसके बारे में बात करने के लिए और बहुत सारे चीजों पर बात करने के लिए मिस्टर डालमिया आज हमारे साथ है. मिस्टर डालमिया, सौरव, सचिन, लक्ष्मण, ये लोग भारतीय क्रिकेट के लेजेंड्स हैं. What prompted you? क्या विचार आपका था इनको एडवाइजर्स बनाने के लिए? देखिए, आज हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है जहाँ पे कि ग्रेट क्रिकेटर लाइक सचिन तेंदुलकर या उसमें हमारे साथ जुड़ जाए, जिसमें कि सचिन जैसे मैंने कहा, या उसके साथ में राहुल हो, या उसके साथ हमारे सौरभ और लक्ष्मण हो, तो इससे बेहतर कोई जोड़ी हो नहीं सकती. और वो जोड़ी जब हमारे साथ जुड़ रही है तो इससे बेहतर हम किसी के बारे में सोच नहीं सकते. तो आज इस सिलसिले से अगर हम देखें, अगर हम चले आगे, तो इसके लिए हम ख्याल करेंगे कि जहाँ तक सवाल बाकी क्रिकेटरों का है, तो ये इनको भी हम इसमें जुड़ना चाहेंगे, और जो अभी तक नहीं जुड़ा है वो इसमें और जुड़े, ये हम चाहेंगे. आप मुझे ये बताएं, आप बोल रहे हैं ये चारों का नाम, आपने राहुल का नाम भी लिया, मैं बाद में राहुल के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बट आप मुझे ये बताएं, ये जो महान खिलाड़ी हैं, आपने इनको बीसीसीआई से जोड़ दिया है, तो इनका काम क्या होगा, क्या करेंगे ये? देखिए, ये हमारा जो ये क्रिकेट का सबसे ज्यादा इसमें काम है वो है आज हमको इसमें ऊपर तक ले जाएं, और जहां तक हम ले गए हैं उसको हम और आगे बढ़ा दें. तो इसलिए हम ये चाहते हैं, आज आप नाम देख रहे हैं राहुल द्रविड का, लेकिन वहीं पे बात खत्म नहीं होती है, यहां से तो बात शुरू होती है. तो इसलिए हमारे ख्याल में हम शुरू करें, और वो सचिन जैसे महान क्रिकेटर के से शुरू हो, तो उससे अच्छा और कोई शुरुआत नहीं हो सकती. आप मुझे ये बताएं, आप बोल रहे हैं इनसे शुरू करके आप इनको आगे ले जाएंगे, तो ये जो सपोर्ट स्टाफ लेके इतना चर्चा हो रहा है, ये जो एडवाइजर्स बन चुके हैं सचिन, सौरव, लक्ष्मण, ये क्या सपोर्ट स्टाफ चुनने में इनका हाथ रहेगा? बहुत जबरदस्त रहेगा, और इनको हम जो आगे ले जाएंगे, ये आप देखेंगे कि जिस तरह समय आगे बढ़ता जाएगा और उस तरह से हम इनके नाम को एक्सपोज करते जाएंगे, और वो आपके सामने रखने के लिए प्रस्तुत होंगे कि ये जो हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ हैं वो एक से बढ़ के एक तैयार होंगे, और ये जो तैयारियां हैं ये एक बहुत जबरदस्त जरूरत होगी, और उसको हम फुलफिलमेंट करेंगे. आप ये कह रहे हैं, एंड ये बहुत बड़ा आंसर उन्होंने अभी दिया, कि दीज एडवाइजर्स, जबरदस्त रोल इनका होगा सपोर्ट स्टाफ चुनने के लिए. मुझे आप ये भी बताएं, सब कोई पूछ रहा है कि इनका तो एडवाइजरी रोल है, ये तो आपको सलाह देंगे या आपको रेकमेंड करेंगे, बट सब ये पूछ रहे हैं कि इनका सलाह बोर्ड मानेगा, बोर्ड इंप्लीमेंट करेगा, ये रिकमेंडेशन तो नहीं रहेगा, आप इन पे विचार करके इनको इंप्लीमेंट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और अगर हम ना करें तो हमारा तो ये बहुत बड़ी फेलियर होगी. तो इसको हम किस तरह से संभालेंगे वो आप देखेंगे कि कौन कौन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस तरह से उनको हम सजा रहे हैं. तो इसलिए केवल ये कुछ समय विशेष की बात है,
और ये समय विशेष के साथ साथ जैसे समय खत्म होगा उस तरह आप देखेंगे कि आपके प्रोग्राम में ये ऑलरेडी यहाँ इसको आगे बढ़ा के लेके आ जाएं और उसको हम किस तरह से आगे। मैं ये क्वेश्चन एक बार दोबारा पूछ रहा हूँ, आप अभी बोले कि इनका जो सलाह होगा रिकमेंडेशंस होगा उसको बोर्ड इम्प्लीमेंट करेगा। मैं मेरे व्यूअर्स के लिए ये क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो सपोर्ट स्टाफ के लिए इनका जो सलाह होगा ABC बहुत सलाह हो सकता है, बट बोर्ड ये सलाह इम्पोर्टेंस से देखेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। मैं ये क्या कह सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं और ये काफी जोर से एक हम जिसको कहते हैं कि विद द स्टैंड कैपेसिटी और इसको हम आगे बढ़ा के और आप लोगों के सामने लेके आएंगे। और जब हम आपके सामने इसको रखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये हम केवल बढ़ाना ही नहीं चाहते थे बल्कि हम इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाना चाहते थे। और ये जो हम आगे बढ़ा के ले आए हैं उससे जो हम आज उत्पत्ति हो रही है, जो हमारे को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, वो आप लोग देख के और इसको सराहेंगे कि बिल्कुल इसके बिना ये बात ठीक बनती नहीं। मुझे ये क्वेश्चन पूछने दीजिए, आपने राहुल द्रविड़ का नाम लिया, मैंने जब एडवाइजर्स के बारे में बात किया आपने बोला सचिन, राहुल, सौरव, लक्ष्मण, बट ये जो आप तीन एडवाइजर्स चुन चुके हैं सौरव, सचिन और लक्ष्मण, राहुल का नाम उसमें है नहीं, क्यों नहीं है और ये आप हमें बताएं, क्योंकि बहुत व्यूअर्स जानना चाहते हैं राहुल द्रविड़ क्यों नहीं है। जितनी हमारी कैपेसिटी है उनको हम आगे ऑलरेडी ले आए हैं, इनको ऑलरेडी इसमें सांचे में हमने ढाल दिया है। अब ये सांचे से क्या निकला ये आपको देख के और बताना है कि हाँ आप इसे संतुष्ट है या नहीं। नहीं, आप मुझे ये बताएं राहुल द्रविड़ BCCI के चिंता में है या नहीं, उनको भी आप कुछ रोल में लाना चाहते हैं या ना? बिल्कुल लाना चाहते हैं और उसके बिना बताना बहुत मुश्किल है। ये आप कुछ लोगों से जो हम संबंध कर चुके और जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसका संबंध, इसका रिजल्ट, इसको आप खुद इसमें देख पाएंगे। सो अगेन मैं दोबारा ये क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ, राहुल द्रविड़ को भी आप BCCI में शामिल करना चाहते हैं? बिल्कुल 100%, उसके बिना तो, राहुल के बिना तो ये पूरी कहानी का अधूरी रह जाएगी। अच्छा, सो ये जो तीन एडवाइजर्स हुए हैं ये अभी खत्म नहीं हुआ, राहुल भी कुछ क्षणों में, कितना दिन बाद हम नहीं जानते, बट आएगा कुछ शेप में राहुल BCCI में आएगा। ये कुछ रात निकले और उसके पहले हम इसके बीच में कूद पड़े, उतना ही जल्दी आपको ये समझ में आएगा और आप हमसे एक मत होंगे कि इसके राहुल के बिना हमारी स्टोरी कंप्लीट थी, इनकम्प्लीट थी, और इसको हमने आगे बढ़ाया है और इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। मिस्टर डालमिया, ये जो आज हम लोगों ने देखा है कि BCCI ने एक प्रेस रिलीज इशू किया है और उसमें बोला गया है कि रवि शास्त्री बांग्लादेश जा रहे हैं टीम डायरेक्टर के नाते और बाकी सपोर्ट स्टाफ भी जा रहे हैं, भारत अरुण, MV श्रीधर, संजय बांगर, बहुत चर्चा हो रहा है, ये अरेंजमेंट क्या बांग्लादेश के लिए है कि लॉन्ग टर्म है, बांग्लादेश के लिए है कि लॉन्ग टर्म? देखिए ये है तो बांग्लादेश के लिए और इसमें और बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी बातचीत ऐड करी जाएगी और इसको हम बहुत कुछ आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने बीच में इसको कहीं पे छेड़छाड़ करी हो या इसको हम ये करें कि भाई ये जिस तरह भी सामने आएगी ये हो टेम्प्ररी मैटर के लिए होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम आगे आएंगे और बाकी का जो हमारा प्रोग्राम को चार चांद निखर जाए इस तरह की बातचीत और बहुत सारी बातचीत। टू मोर क्वेश्चंस, एक हमने देखा IPL के फाइनल के टाइम कैलकटा में बहुत सारे हस्तियों का कैलकटा में आना हुआ, साउथ अफ्रीका से आए, श्रीलंका से आए, बांग्लादेश से आए, हम लोगों ने देखा था जो हमारा प्रीवियस जो बोर्ड था
बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत ही खराब था। वर्ल्ड कप में हम लोगों ने देखा मुस्तफा कमाल और एन श्रीनिवासन के बीच बहुत बिटर एक डिस्कशन, एक एक्सचेंज हुआ। हम लोगों ने देखा साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया का लास्ट टूर बहुत छोटा टूर हुआ। हारून लॉर्गट के साथ बीसीसीआई का संबंध बहुत ही बुरा था। बट ऑल ऑफ दीज पीपल, ये सारे कलकत्ता आए थे, क्या आपका ये कॉन्शियस प्लान था कि आप सबसे अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, इनको आपने बुला के एक मैसेज देना चाहा? सच आप पूछे तो ये हमारा एक बल्कि कंसर्टेड एफर्ट था। हम लेके इन लोगों से मिले, बातचीत करी और इनको जो सामने हम लेके आए इनको हमने बताया। और ये यहाँ से शुरू नहीं, नवंबर 2 साल पहले से हमने ये एफर्ट शुरू किया था। और शायद आपने ख्याल किया होगा कि हम किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और साउथ अफ्रीका, इन लोगों के साथ हम धीरे धीरे अपने रिलेशन अच्छे बना रहे थे। और ये रोल हमने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। मिस्टर डालमिया, आपने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, मैं ये अलग सोचा नहीं था, बट पाकिस्तान के बात आपने छेड़ दिया तो मैं पूछ लेता हूँ, पाकिस्तान के साथ भी आप संबंध बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। आज क्रिकेट के बारे में हम आगे बढ़ेंगे और क्रिकेट के बारे में हमारे पूरे वर्ल्ड में ये इकट्ठे हम लोग आए और इस क्रिकेट के चलते हम सब एक हो जाए, ये बहुत जरूरी है। और ये हम इसको इकट्ठा हो के इकट्ठे आएंगे। शायद आज का प्लेटफॉर्म इस पे चर्चा के लिए नहीं है, तो इसको टू अर्ली। यही मेरा क्वेश्चन था। मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट का डिसीशन है, मैं ये जानता हूं दैट अल्टीमेटली ये आपके हाथ में नहीं है, बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ क्रिकेट, क्या आप चाहेंगे कि क्रिकेट दोनों देशों में आगे बढ़े? 100% में 100%।